तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फाइनली मैं आ गया हूँ फिर से पबजी का एक नया और धमाकेदार वीडियो लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने पबजी 1.0 का जो अपडेट है वो कर लिया है। तो यहाँ पे एरेंगल 2.0 ओपी वाला मैप आ चुका है। सभी चीजें बदल गई है यहाँ पे, आप लोग देख लो कैसा है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार ये अपडेट है यहाँ पे। मैंने पर्सनली, मुझे लगता है कि कितना बड़ा अपडेट है रे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कितना अच्छा मैप वगैरह, कितना घर वगैरह, कितना अच्छा हो गया पहले से। और ग्राफिक्स तो कतई जहर है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए कतई जहर ग्राफिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज मैं खेल रहा हूँ स्नाइपर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मैं स्नाइपर से ज़्यादा ऑटोमेटिक गन से लोगों को मार रहा हूँ। तो पहले स्कॉर्पियन से मार दिया, तो फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा ओपी वाला गन MK14। तो MK14 पहले ड्रॉप में मिलता था, तो यहाँ पे एक अपडेट के बाद यहाँ पे आप स्नाइपर ट्रेनिंग में ही हमको क्या मिलेगा, MK14 मिलेगा। तो यहाँ पे इसको मारने के बाद मुझे इसके क्रेट में जो है MK14 मिलता है। तो ये बंदा MK14 लेके भी मुझे नहीं मार पाया, मैं स्कॉर्पियन से उसको आराम से बिंदास से पील गया। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैसा होता है सीन, और MK14 मिलने के बाद बंदों को मैं कैसे पेलता हूँ देख लो। तो यहाँ पे मेरा एक जो टीममेट था वो थोड़ा सा क्या बहुत ही नॉक हो गया था, और उसको मैं रिवाइव करने ही वाला था कि किसी ने उसको ख़त्म कर दिया जिसने इसको नॉक किया था। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जिसने उसको नॉक किया था उसको मैं कैसे मारता हूँ MK14 से। तो यहाँ पे यही बंदा था जिसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, तो उसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे उसका टीममेट भी यहाँ पे खड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि उसको ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि वो भी नॉक है, अभी उसका टीममेट भी वहाँ पे होगा शायद, इसलिए वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे चला आ गया कि उसको फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि उसको कैसे फिनिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात तो कतई जहर है कि एक घर वगैरह कितना अच्छा हो गया देख लीजिए आप लोग। पूरा मैप ही बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पबजी पीसी जैसा बन गया है अभी ये गेम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खुश हुआ मैं इस अपडेट से, बहुत खुश हुआ मैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये बंदा को मैं कैसे मारता हूँ देख लो। तो यहाँ पे एक अपडेट हो गया है, जो यहाँ पे घास वगैरह थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से, और घर वगैरह तो कतई जहर। तो इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे जोन वगैरह आ गया था, तो मैं जोन वगैरह में चला गया था, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखाई दिया था, तो मैं उसको कैसे मारता हूँ देख लो। तो पहले तो मुझे लगा था कि ये बॉट है जैसे मूवमेंट कर रहा था, लेकिन डैमेज जब इसने इतना अच्छा डैमेज दे दिया मुझे, मुझे पता चल गया कि बॉट नहीं है, क्योंकि बॉट इतना डैमेज नहीं हो देता है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा टीममेट जो है अभी, तो मैं दो जन ही अभी बाकी है मेरे टीम के, लेकिन मेरा 7 नंबर का जो टीममेट है वो कहाँ पे है मुझे पता नहीं, वो बहुत ही दूर पे है, दूर पे था वो, तो वो तो यहाँ पे था। तो यहाँ पे मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो MK14 तो है मेरे पास, तो बाकी बंदे क्या है इसके सामने, सबको एक एक करके मैं पेल देता हूँ। अभी MK14 मिलने से यहाँ पे मुझे बहुत ही फायदा हो गया है, क्योंकि सामने वाले के पास तो सिर्फ स्नाइपर वगैरह होगा, तो MK14 यहाँ पे कहाँ से मिली उसको मुझे पता नहीं, लेकिन MK14 मिलने से मुझे बहुत ही फायदा हुआ है यहाँ पे। तो मेरा 4 नंबर वाला टीम में जो है उसको भी यहाँ पे किसी बंदे ने नॉक कर दिया था, तो मैं उसको कैसे मारता हूँ देख लो तुम लोग। तो बिल्कुल ही नॉक पड़ा हुआ था, तो उसने उसे फिनिश कर दिया, मुझे फुटस्टेप भी आ गया था उसका, तो मैं उसको कैसे फिनिश करता हूँ देख लो। तो ये भी फिनिश हो गया, शायद उसके पास भी MK14 था क्या, तो कोई बात नहीं यार, आखिरी 4 बंदा बाकी है यहाँ पे अभी, उनको भी कैसे फिनिश करता हूँ देख लो। यहाँ पे ग्रास वगैरह देख लो कितना अच्छा हो गया भाई, यहाँ पे अपडेट देने से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपडेट है, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपडेट। यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है फुटस्टेप की, तो इसको कैसे ख़त्म करते हैं देख लो। तो ये बंदा भी ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो आखिरी एक ही बंदा था यहाँ पे, तो उसको कैसे मारते हैं तुम लोग देख लो। उसको मार के हम लोगों को मिल जाएगा विनर, विनर चिकन डिनर, ये देख लो कैसे फिनिश कर दिया उसे। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो जो मेरे चैनल में नए आए हो उनको भी कहता हूँ भाई जल्दी से जल्दी जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो यहाँ पे मुझे गेम प्ले करना पड़ता है, फिर यहाँ पे वीडियो डालना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है यार, सब्सक्राइब कर दो। तब के लिए जय हिंद जय भारत।